हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे घर में किस तरह से बर्तन बिखरे पड़े हैं, क्योंकि ईद की आमद है, तो इस वजह से हम लोग अपने घर की सफाई कर रहे हैं। और इस टाइम जो है इसहान मेरे साथ बैठा हुआ है, मेरे साथ हेल्प कर रहा था, लेकिन ये डर था कि इसहान कोई बर्तन तोड़ ना दे, इस वजह से हमने उसे कोई चीज़ को टच नहीं करने दिया। बाकी जो है ये हमारी सफाई चल रही है। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से, ये देखें, ये हाथों की हालत देखें, इस तरह मिट्टी जमी हुई है इसके ऊपर यूँ। और यहाँ पर मेन रोड की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट, और ये देखें, ये सारे के सारे अभी हमने सफाई करके दोबारा से फिर से इसे तरतीब लगा कर जोड़ना है। और ये मैं इसको बंद कर देती हूँ। सारी की सारी सफाई रह गई है, कुछ हो गई है, कुछ करने वाली है, बाकी बर्तन वगैरह साफ करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैं भी जो है वो रूम की सफाई कर रही थी, हमारे डेकोरेशन पीसेस पड़े हुए हैं, और यह ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम की भी साथ साथ सफाई चल रही है, और साथ साथ जो है दूसरा काम भी चल रहा है। और ये आप लोगों को पता है कि छोटे छोटे जो ये डेकोरेशन के पीसेस होते हैं ना, इन्हें साफ़ करना भी ज़रा मुश्किल ही होता है, बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ी होती है इनके ऊपर, एक एक पीस को उठाना और फिर इन्हें क्लीन करना। और इस तरह से देखिए सारी सारी अरेंजमेंट की हुई है, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसने अरेंज करके रखा हुआ है, बड़ी सुगड़ बच्ची है हमारी। साथ पंगे ले रही है और इसने गिरा देना है, और गिरा के तोड़ेगी। हेलो, कैसे हो? ठीक हो? घर के सारे कामों से फ्री होकर अब हम लोग स्टोर आ चुके हैं। यहाँ पर करीब ही है जो नेमत खाना है, उनके करीब ही है कोई स्टोर, लेकिन काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर हर एक चीज़ पड़ी हुई है। आप लोग एक दफ़ा आ जाएं तो अपने घर की पूरी शॉपिंग कर सकते हैं एक ही टाइम में। और यहाँ पर जो जो चीज़ें लेनी थी वो ली हैं, और मुझे ना महविश ने कहा था कि लिस्ट बना लो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, या कुछ ख़त्म हो गया तो वो कहाँ पड़ा हुआ है। तो इस तरह से मैंने तो कहा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, अपने घर की खुद ही लिस्ट बनाओ। फिर उसने लिस्ट बनाई और हम लोग यहाँ पर आए हैं। काफ़ी चीज़ें लेने वाली थी, और वो ली, जैसे कि जामी शीरी है ना, वो एक ही बार में बड़ी वाली बोतल ले ली है, ताकि दो तीन माह चल जाए, बार बार आना ना पड़े। और इसहान को जो है ना आइसक्रीम तो बहुत ज़्यादा पसंद है, जितनी मर्ज़ी खिला लो इसको, आइसक्रीम करता है। ममा आई की। यहाँ पर जो ट्रॉली थी वो, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रखी गई, तो उसके लिए जगह कम होगी, लेकिन बेचारा फिर भी थोड़े सी जगह पे फंस के बैठा हुआ। ये जो रोल थे, एक मुझे यहाँ का ना रोल बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो यहाँ पर ख़त्म हुआ हुआ था कि रमज़ान की वजह से ना, वो लोग कह रहे थे कि अब वो कस्टमर जो है ना डिमांड्स में नहीं आ रहा, कस्टमर जो भी है जितनी है, मतलब कि उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस हिसाब से वो चीज़ें बनाते हैं, लेकिन आगे जैसे कि आगे एंड वाले दिन आएंगे ना, तो फिर ज़्यादा रश होगा, तो उस हिसाब से वो ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेंगे, लेकिन अब नहीं था जो मैं खाती हूँ, तो दूसरा था, लेकिन वो इतना मज़े का नहीं मुझे लगा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। स्वीट्स में काफ़ी ज़्यादा पेस्ट्रीज थी, केक वगैरह थे, स्वीट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत शौक से खाती हूँ, इवन हमारे घर में भी सब ही शौक से खाते हैं, बहुत ही कम लोग होंगे जो मीठा नहीं खाते होंगे, लेकिन सब लोग ही शौक से मीठा खाते हैं। फिर यहाँ से मीठे में देख रहे थे तो मुझे तो कुछ नहीं पसंद आया, फिर हम लोगों ने नहीं लिया। और बाकी आप बिल करवाने के लिए जा रहे हैं तो बिल वाले काउंटर पे भी फुल, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कितना ज़्यादा रश है यहाँ पर, इतने ज़्यादा लोग जो है ना एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, जैसे सारी सारी दुनिया यहीं पर आई हुई है। और हमारी तो जी कंप्लीट हो चुकी है शॉपिंग, और हमारी ट्रॉली फुल हो गई है, उसमें तो जगह भी नहीं बची कोई और चीज़ रखने की। अब हम लोग घर जाएंगे और अपनी अपनी चीज़ें समेटेंगे। आई होप सो कि आप लोगों का हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट करना नहीं भूलना आप लोगों ने। और इसहान के लिए मैंने शॉर्ट्स भी बनाए थे, आप लोगों ने वो भी देखने हैं, और उसे भी लाइक करना है। इसहान को बहुत शौक है कहने का कि हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वो मुझे देख के कहता रहता है, तो इसी वजह से आप लोगों ने उसकी वीडियो को ज़रूर लाइक करना।